माई लग रहा है। जैसे कि आपने पिछली बार मेरा दिल्ली पुलिस बॉय पर जो प्रैंक देखा था, बहुत सारे लोगों ने बोला फेक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। सीरियसली गाइस, कुछ नहीं था। मैंने बताया भी था कि वो गेट नंबर 5 पर लड़का की, मतलब उस लड़के की ड्यूटी होती है, और मैंने आज प्रैंक कर दिया है यूपी पुलिस पे। तो ये वाला प्रैंक आपको देखना बनता है, मतलब बॉस, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार हुआ है। मेरे को बहुत डर लग रहा था। A few moments later. Hi. क्या हो गया मैडम? ये आपके लिए। ये चीज ठीक है, क्या है? खड़े हो, लो खड़े ना। खड़े हो नहीं। पहले पकड़ो तो। खड़े हो पहले। पहले पकड़ोगे तभी तो खड़ी होंगी। बताओ। ये आपके लिए। सॉरी मैडम। क्यों? ड्यूटी पे हो तो क्या हुआ? ये चीज ठीक ना है। मैं गलत क्या है इसमें? गलत नहीं है, गलत ही है। मुझे आप अच्छे लग रहे हो। ना, मैं तुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा? ना ना ना। प्लीज आप इसे रख लो। मैं ड्यूटी पर रहने दीजिए। फिर क्या हो जाएगा? ड्यूटी पर हैं तो मैं अपनी दिल की बात नहीं बोल सकती? नहीं, दिल की बात नहीं, मैं समझता ही नहीं हूँ दिल की बात। क्यों? ना। क्या समझते हो फिर? मैं किसी की बात नहीं समझता, कानून की बात समझता हूँ। ठीक है, फिर कानून की तरफ से देख लो कि एक लड़की आपसे प्यार करती है। मैडम मैं चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं? चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? देखो, मेरी मम्मी ने सीधी सीधी एक बात बोली है मुझे कि जाके अगर तुम्हें एक सरकारी लड़के से प्यार हुआ ना, तो वो मेरी शादी करवा देंगे। और मैंने जब से आपको देखा है, मुझे तो लग रहा है कि लव एट फर्स्ट साइट। सुना है ना आपने? मैडम मैं भी 100 नंबर पे कॉल कर दूंगा, पीसीआर आ जाएगी, ले जाएगी। यार ये पुलिस वालों की ना ये धमकी देने वाली आदत नहीं जाती, सीरियसली। क्यों धमकी क्यों दे रहे हो? बुलाऊंगा कि 2 मिनट में आप थाने में काटोगे ना, भाई पता चल जाएगी। क्या मैं आपसे अपनी ज़िंदगी कटवाने की बात कर रही हूँ, आप मुझे थाने में लेके जा रहे हो, रात कटवा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। मैं इन चीज़ों में हूँ ना मैडम। इसे ले लो ना, देखो सब देख रहे हैं, इसे ले लो। ना ना मैडम, मेरी चीज़ रहने दो, ठीक है? क्यों ना? और मुझे आप अच्छे लग रहे हैं, उसका क्या? कोई बात नहीं, कोई और देख लो, बहुत पुलिस वाले हैं। ओहो, पर अच्छे तो आप लग रहे हो ना मैडम। अच्छे तो सबको ही लगते हैं। फिर ले लो इसे। ना ना ना, किसी और को दे दो, बहुत पुलिस वाले मिलेंगे। मैं इन चीज़ों में हुई नहीं। तो किन चीज़ों में हो? पुलिस वाले हो, देखो मैं भी, मतलब मेरे पापा फौज में हैं और अच्छे से खानदान से हूँ। लड़की मिल रही हो, क्या चाहिए? दहेज चाहिए? हम इन चीज़ों में है ही नहीं ना मैडम। तो किन चीज़ों में हो? देखो मेरी मम्मी मान जाएगी फटाफट, मेरे पापा मान जाएंगे, और क्या चाहिए? लड़की मान ही बनाई है मैडम। अब आप जाइए यहाँ से, ड्यूटी कर लेंगे। जब तक आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं कैसे चली जाऊँगी? मैडम मान जाओ, चले जाओ, ड्यूटी कर लेंगे। ड्यूटी कर लेना ना, पहले आप नंबर पे कॉल करूँ क्या? 100 नंबर पे क्यों कॉल कर रहे हो? 100 नंबर पे कॉल करने से क्या होगा? मैं पीसीआर बुलाया था, लेडीज कांस्टेबल आ जाएगी, चले जाना साहब। मैं बस यही तो बोल रही हूँ कि मैं आपको पसंद करती हूँ। वहाँ सबको बोलना फिर थाने में, फिर क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, आप एक्सेप्ट कर लो, मैं वहाँ सबको बोल दूँगी थाने में कि मैं आपको पसंद करती हूँ। क्यों? मैं इन चीज़ों में हुई नहीं ना। तो आप इन चीज़ों में मत रहें ना, मैं तो कह नहीं रही आप इन चीज़ों में रहें। मैडम इन चीज़ों में हुई नहीं। मैं आपको अच्छी नहीं लग रही? क्यों? मैं अच्छी लग जाती हूँ सबको? मुझे अच्छी नहीं लग रही ना। क्यों नहीं लग रही हूँ? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा? क्या अच्छा नहीं लग रहा? आप इसे एक्सेप्ट कर लो ना। मेरा दिल तोड़ रहे हो। टूट जाने दो, मैं ड्यूटी कर लेंगे। ड्यूटी करते रहना ना, ड्यूटी तो रोज करते हो। मैडम मान जाओ, जाओ यहाँ से। रोज रोज दिल थोड़ी मिलते हैं, देख लो। रोज मिलते हैं मुझे। अब मेरा दिल दुखा रहे हैं, देख लो। सच में बहुत दिल मिलते हैं। सच में? सच में। तो फिर ये भी ले लो। ना ये नहीं लेता मैं। क्यों? ऐसे दिल नहीं लेता। तो कैसे लेते हो? ऐसे दिल नहीं लेता। तो कैसे लेते हो? मैं आपको दिल दे रही हूँ और आप कह रहे हो कि मैं नहीं लेता। मैडम प्लीज समझिए, जाइए। मैं नहीं जाऊंगी, आप एक्सेप्ट करें इसे। पीसीआर बुलाता हूं। पीसीआर मत बुलाइए ना, अच्छा लगेगा आपको। मैं वहाँ पे जाके बोलूंगी मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप नर्वस हो जाओगे तो सबके सामने। बोलना ना, वहाँ पे तो ऐसे ही है। तो मैं सबको बोल, कैसे हैं? सबकी सरकार नौकरी है। मुझे तो आप अच्छे लग रहे हो ना। मैडम मेरे छोड़ दीजिए, मेरे जल्दी से ले लें। नहीं क्यों ना, मैं इन चीज़ों में हुई नहीं। तो पढ़ जाइए ना। मैं नहीं पढ़ रहा ना। देखो आप जैसे भी बोलोगे ना, मैं सुबह जब आप अपनी ड्यूटी के लिए निकलोगे, मैं सब कुछ करके दूंगी आपको। मैं बहुत ही घरेलू टाइप बन के रहूंगी, जैसा आप चाहोगे। ऐसी चाहिए होती है ना पुलिस वालों को? हमें नहीं चाहिए। तो आपको कैसी चाहिए? चलो वाली चाहिए पुलिस वाले। मतलब अब मेरे को
एग्जाम क्लियर करके भर्ती होना पड़ेगा फिर आपके पास। मुझे पुलिस वाली चाहिए। देख लो यार, ऐसे नहीं चाहिए मुझे, ऐसे वैसे बन जाए बात, सोच लो, कमाती तो मैं भी हूँ। ना, 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 सोच लिया। सोच लो ना, सोच लिया। मैडम आप जाइए, परेशान मत करिए। देखो मैं पुलिस वाली तो नहीं बन सकती ना फिर। मैडम परेशान मत करिए, जाइए आप। मैं परेशान कहाँ कर रही हूँ, परेशान तो आपने कर दिया ये बोल कर कि जब तक आप पुलिस में नहीं होंगी मैं आपसे दिल्ली नहीं लगाऊंगा, ये क्या मतलब है? मैडम परेशान मत करिए, जाइए। मुझे आप मेरे साथ खुश रहेंगे, आप मेरे साथ खुश रहेंगे, पुलिस वाली के साथ नहीं रहेंगे। अरे मैं खुँ खुँ आप रोज उसको बोलोगे कि मैं तेरे को थाने में बंद करवा दूंगा, वो आपको बोलेगी थाने में बंद कर, और मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगी। सच्ची में मैं आपको कभी नहीं बोलूंगी। ड्यूटी कर लेंगे जो जाइए आप, आप एक्सेप्ट कर लो फिर। एक से एक लड़के होने देना, मुझे औरों से मतलब नहीं है ना, आप नहीं समझ रहे हो, आप इसे रख लो। मैडम मैं इतने दिल से लाई हूँ, पता है आपको, मतलब कितनी दूर से लेकर आ रही हूँ। मैडम एक से एक मिल जाएगा, मैं देख लो। एक से एक नहीं चाहिए, आप चाहिए, नहीं समझ रहे हैं आप। मैडम ड्यूटी कर लें तो मैं लेडीज कॉन्स्टेबल रहा हूँ, फिर क्या होगा? थाने ले चलूँगा फिर, मैं फिर भी नहीं मानूंगी। फिर मान जाओगे तो? नहीं मानूंगी तो पूरी रात थाने में बैठोगे जब भी? नहीं तो फिर क्या हुआ, आप तो होंगे ना थाने में, पूरी रात बैठे। मैं तो रिमांड रूम में दे के आ जाऊंगा। रिमांड रूम में दे दोगे मुझे? इतनी सी बात पे कि मैंने आपसे ऐसा मत करिए ना, ठीक नहीं है मैडम ये। अच्छा आप ये तो रख लो ना। क्यों ना रख लो? मैडम जाइए, समझा करिए आप। मानो मैं नहीं समझ रही हूँ, आप मेरा दिल तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि समझा कर। दिल तोड़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि आप मेरा दिल तोड़ रहे हो? किसने बोला ये अच्छी बात है? अच्छा ये रखो। ना 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 प्लीज रखिए ना। मैडम समझो बात को, आप हमें ड्यूटी कर लें तो अपना काम करिए। पक्का? पक्का पक्का आप नहीं रखेंगे? पक्का? ये बाइक आपकी है? पुलिस वालों को ये वाली बाइक मिलती है? पुलिस वालों के लिए मैंने अपनी खरीदी है। अच्छा अपनी खरीदी है आपने ये? सही हमारे हो, कमा का रहे, मेहनत से लिया। मेहनत से लिया है, तभी तो मैं चाह रही हूँ, मेरे को इतना मेहनती और पुलिस वाला मिलेगा, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मुझे ज़िंदगी में। मैडम समझो बात को, ड्यूटी कर देंगे आप? ड्यूटी करते रहना ना, मेरा दिल ले लो फिर ड्यूटी करते रहना। मिस जब आपकी ड्यूटी ऑफ होगी मैं तभी आपसे कॉल पे बात करा करूँगी, वैसे करूँगी भी नहीं। मुझे ना दिल चाहिए ना आप चाहिए, मुझे ड्यूटी कर लेंगे समझो बात को, जाओ। ऐसे मत करो यार, ठीक नहीं लग रहा है ऐसे, आप जाइए जाइए। नहीं मैं नहीं जा रही। मैडम जाइए, समझा करो। मैं नहीं जाऊँगी जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं नहीं जाऊँगी। पर 100 नंबर पे कॉल। एक पुलिस वाला हमेशा 100 नंबर की धमकी क्यों देता है? है? और उसके पास तो कोई चारा ही नहीं, जब उसे लड़की खुद परेशान कर रही है आपे, अब क्या करे हो? परेशान कर रही हूँ मैं, अपना दिल दे रही हूँ आपको। दिल नहीं चाहिए ना मुझे? तो क्या चाहिए? पुलिस वाली चाहिए, मैं वो नहीं बन पाऊंगी। आप परेशान, इतने प्यार करने वाली लड़की दोबारा नहीं मिलेगी, सोच लो। पुलिस वाली तो कभी नहीं मिलेगी। ले लो यार, क्या हो गया, एक बच्ची का दिल रख लो। आप रखो इस दिल को। मैं नहीं रख रही, आप रख लो। आप रखो दिल को। पक्का? पक्का। डिसाइडली ले लो ना यार। मैडम मान जाओ। मेरे को नहीं मानना, दिल विले का ही और है मैडम, हम ना मान रहे। क्यों नहीं मान रहे हो? हम ना मान रहे। पुलिस वाली नहीं हूँ तो क्या हुआ, दिल से प्यार तो करूंगी आपको। मुझे नहीं करवाना, जल्दी से रख लो, एक्सेप्ट कर लो। इतनी बार तो किसी को भी नहीं बोलती हूँ, किसी को भी मत बोलो, मुझे नहीं करना सर। क्यों नहीं करना है? पुलिस चौकी जाओगे, अपने घर जाओगे? जहाँ आप लेके जाएंगे मैं वहीं चली जाऊँगी। एक काम करो, अपने घर चलो। क्यों? अब तुम्हारी मम्मी से ही कहूँगा जाके कि ऐसे ऐसे ऑन ड्यूटी लड़के को परेशान कर रही है। अरे मेरी मम्मी आपको जाने नहीं देगी फिर घर से, सोच लेना। मैं कह रही हूँ वो बिठा लेंगे आपको। मैं क्या कह रही हूँ, दामाद बना लेंगे घर जाते ही। बाहर क्यों छोड़ना है फिर, तो मम्मी से भी मिलो। किसी से नहीं मिलने का, मैं बाहर छोड़ के आ जाऊंगा। नहीं आप मेरे घर क्यों जा रहे हो? फिर चौकी चलोगे तो? एक जगह चलो, मैंने बोला चौकी चलो। मैं बोल दे रही हूँ जहाँ आप लेके जाएंगे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैडम आप बहुत परेशान कर रहे हो, बहुत परेशान। कहाँ कर रही हूँ, आप कर रहे हो परेशान। मैं अभी थाने फोन करूँगा, लेडीज कॉन्स्टेबल बुलाऊँ, एक PCR बुलाऊँ। आप ही एक्सेप्ट करो, फिर से नीस पर आऊं, फिर से नीस पर आऊं, दिल ले लो, नीस पर आऊं। आप चौकी कह रहे हो, मैं नीस पर आ जाती हूँ।
मैडम रहन दो इन कामों को, जल्दी लो ना मैडम, ले लो ना, इतनी प्यार से दे रही हूँ, ले लो। मैं तुम्हारे घर ही छोड़ के आ रहा हूँ। क्या मतलब छोड़ कर आ रहे हो? घर ही छोड़ के आऊंगा। चलो फिर सोच लो, मैं घर गई तो फिर आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा और फिर मेरी मम्मी से मिलना पड़ेगा। ना किसी से नहीं मिलने का मैं। नहीं मिलना पड़ेगा, चलो। किसी से नहीं मिलूंगा। क्यों नहीं मिलोगे? मैडम आप परेशान कर रहे हो बहुत, अब आपने ज्यादा परेशान कर दिया मुझे। फिर क्या हुआ? तो चलो मेरे घर चलो। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। पक्का? पक्का घर छोड़ूंगा। ठीक है ठीक है, मेरी मम्मी भी खुश हो जाएगी आपको देखकर। पक्का चलूँ ना? बैठो तुम यार, तुम्हें छोड़ के आना पड़ेगा, बैठो। फिर मेरे घर ही रह जाना आप। बैठो तो सही, तुम्हें चौकी लेके चल रहा हूँ। चौकी के लेके जा रहे हो? अभी घर लेके जा रहे थे, अब चौकी लेके जा रहे हो? अच्छा सुनो तो, चौकी में। अच्छा सुनो, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट क्या मैं एक बात बता रही हूँ, गुस्सा मत करना, नहीं करेंगे ना? ना। पक्का? पक्का। घर पे भी नहीं छोड़ कर आओगे और चौकी पे नहीं लेके जाओगे? मैं ना आपके साथ प्रैंक कर रही थी। किसके साथ प्रैंक? अब तो पक्का लेके चलूंगा। अच्छा सुनो तो, सुनो तो, सुनो, मेरे को डर लग रहा है इस बार, मुझे सच में डर लग रहा है। अच्छा देखो वो रहा कैमरा।